हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीमास किचन। तो आज हम बनाएंगे प्लेन कढ़ी के साथ खाने वाला गट्टा मसाला, जो कि आप इसको स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं और ये बहुत ही यमी लगती है। राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गट्टा। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी के जितना बेसन, नॉर्मल बेसन है पैकेट वाला। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत कुटा हुआ धनिया, जो कि आराम से आप कूट करके इसमें डाल सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और एक चौथाई चम्मच के जितना कसूरी मेथी। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, इसको आप हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक पिंच जितना सोडा, खाने वाला सोडा। इससे आपका जो गट्टा बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। तो इसमें हम डालेंगे दो चम्मच के जितना दही और एक चम्मच के जितना सरसों का तेल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सरसों के तेल का स्वाद बहुत अमेजिंग आता है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको आराम आराम से इसको आटे को गूंथ लेना है। पहले जितना मॉइस्चर हो उसमें आप गूंथ लें, अगर आपको ज़रूरत लगे तो लास्ट में आप एकदम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको सॉफ्ट सा गूंथिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा, वरना फिर उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, वो बहुत ही कड़े कड़े गट्टे बन जाएंगे। तो हल्का सा इसको आपको मुलायम रखना है, नॉर्मल डो से हल्का सा ऑयल लगा करके आप इसको पूरा अच्छे से मसल लें, जिससे कि बिल्कुल चिकना हो जाए। चाहे तो 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें, नहीं तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर लें और इसके लंबे लंबे गट्टे बना लें। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी रेसिपी है, मगर स्वाद ऐसा आता है ना इसका कि आप एकदम मतलब खाते रह जाएंगे, इतना ज़्यादा यमी लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़े मोटे मोटे गट्टे बनाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पतले छोटे मोटे कैसे भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम दोनों गट्टों को तैयार कर लेंगे और अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है, अच्छे से गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके ऊपर कोई भी जाली रख लेंगे और उसको अच्छे से ऑयल लगा करके ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जब हम गट्टा इसके ऊपर रखें तो वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा, बहुत ही आराम से निकल जाएगा स्टीम होने के बाद। तो बस इस तरीके से आपको गट्टे को इसके ऊपर रख देना है और गैस की फ्लेम को हाई रखना है, पानी एकदम बॉयलिंग उस पर होना चाहिए। जब आप गट्टा इसमें रख देंगे तो उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करना है, फिर हम इसे चेक करेंगे। तो अब मैंने इसको लिड लगा करके ढक दिया था। अब आप देख सकते हैं साइज़ में ये जस्ट डबल हो गया है, बहुत अच्छे से फूला है हमारा गट्टा, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है। चक्कू डाल करके आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि हल्का सा कच्चापन है तो आप 12 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा इसको पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब इसको निकाल करके हम इसको एकदम ठंडा कर लेंगे और देखिए गट्टे पे कितने अच्छे क्रैक आए हैं, ये परफेक्ट निशानी होती है एक परफेक्ट गट्टा बनने की। तो गट्टा हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम इसको कट कर लेंगे अपने पसंद के अकॉर्डिंग साइजेस में। तो मैंने यहाँ मीडियम साइज में कट किया है, हल्का सा मोटा रखा है, जिससे कि जब हम इसको कढ़ी के साथ खाएंगे या फिर स्नैक्स की तरह खाएंगे ये बहुत ही यमी लगेगा। चाय के साथ ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, एक बार आप ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। तो अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच के जितना सरसों का तेल, आप चाहें तो इसको देसी घी या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। तो बस ऑयल को अच्छे से पहले गर्म होने देंगे, जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा और इसको हल्का सा क्रैक होने देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई और जरा सी हींग। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, जैसे ही चटकने लग जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते और इन दोनों को भी हल्का सा चला लेंगे एकदम लो फ्लेम पर, जिससे कि जो भी हम मसाले डाले हैं वो बिल्कुल भी जले ना। अब जो हमने गट्टे काट के रखे थे वो इसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। तो अभी हमको इसमें मसाला वगैरह भी डालना है, तो हल्का सा बस इसको चलाना है जिससे कि इसी पूरा ऑयल की कोटिंग में आ जाए। जब हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे नमक है, लाल मिर्च है, चाट मसाला है, गरम मसाला है,
ये सारी चीजें आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। मैंने यहाँ पर हल्का हल्का सा डाला है, जैसे कि कढ़ी के साथ अगर खाएं तो भी यमी लगेगा, और अगर नॉर्मल स्नैक्स की तरह खाएं तो भी ये यमी लगेगा। तो लगभग एक चम्मच के जितना मैंने चाट मसाला डाला है, जरा सा नमक और जरा सी लाल मिर्चा। इन सब चीजों को डाल करके आपको इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है एक दो मिनट, जिससे कि वो क्रिस्प हो जाए, बहुत ही अच्छे से मसालों को एब्जॉर्ब कर ले। तो देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है, खाने में तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ये। एक बार आप जरूर बना के ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो बस यहाँ पर ये हमारा गट्टा बिल्कुल भुन करके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर हल्का सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इसको दोबारा से चला लेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर जरूर डाल कर ट्राई करिएगा, बहुत अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो बस चलिए अब इसको सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, मैंने कढ़ी की रेसिपी पहले कई बार शेयर करी हुई है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।